अरे रूबी कहाँ मर गया मुरली का बच्चा? बॉस आ गया। ओह वंडरफुल, अरे कमाल है कमाल है, अरे मार्वेलस, देखा? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मुरली, तूने कमाल कर दिया। थैंक यू बॉस। एक काम और कर, ये तस्वीरें कॉलेज के प्रिंसिपल के पास भिजवा दे। प्रिंसिपल के पास? हाँ प्रिंसिपल के पास। मैं एक तीर से 3 शिकार करूंगा। कौन सा तीर? यू नो इट बॉस। ये कौन से 3 शिकार, मैं समझा नहीं बॉस। 3 शिकार मुरली। नंबर 1, कॉलेज प्रिंसिपल के दिल में जो किरण के लिए इज्जत है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और नंबर 2, इस तस्वीर की मदद से किरण को कॉलेज से निकलवाने में हमें आसानी होगी। नंबर 3, अब पार्वती को बताना ही होगा कि किरण किसकी बेटी है। रूबी एक खत लिख प्रिंसिपल को। मनोहर, बड़े अच्छे वक्त पर आए, सजा पूरी हो गई? सजा तो पूरी हो गई गुरु, लेकिन प्रतिज्ञा अभी अधूरी है। घबरा मत मनोहर, वो भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। मैंने पार्वती का पता लगा लिया है। कहाँ है वो? इस वक्त वो बड़ी ऊंची और फौलादी दीवारों के पीछे है, मगर मैं फौलाद को पिघलाकर दीवारों को गिरा दूंगा और पार्वती को तुमसे ऐसी जगह मिलवाऊंगा कि तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। गुरु, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। रूबी, नेचा। ये क्या है? एक मर्द के साथ ऐसी नंगी तस्वीर खिंचाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ये तस्वीर मैंने नहीं खिंचवाई मैडम। तुमने खिंचवाई या किसी और ने खींची, इससे क्या फर्क पड़ता है? तस्वीर तो तुम्हारी है या नहीं? जी हाँ। मैं पूछती हूँ, ये कदम उठाने से पहले ये तो सोचा होता कि तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे साथ साथ हमारे कॉलेज का नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा। सच्चाई जानने के बाद आप मुझे जरूर माफ कर देंगे मैडम। नो मोर एक्सप्लेनेशंस प्लीज मैडम। आई एम फोर्स्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। एक्शन तुम पे? हाँ, मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो समझी नहीं। किरण, सच्चाई हमारे साथ कितनी ही क्यों ना हो, जब तक हम उसे दूसरों को ठीक से नहीं समझा सके तो दोष उनका नहीं हमारा है, क्यों? ठीक है ना? तो चल मैं उन्हें समझाता हूँ। मिस्टर गोपी, आपने जो कुछ कहा वो सब ठीक है, लेकिन इस तस्वीर को देखकर मैं किरण के खिलाफ एक्शन लिए बगैर नहीं रह सकती। मैडम, इस तस्वीर में आप हमारे चेहरे देख सकती हैं, हमारे दिल नहीं। मैं एक्शन लेने से मना नहीं करता, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि आप मेरे रिक्शे पे मत जाइए। मैं गरीब सही लेकिन भले घर का हूं। और मैडम, मैं किरण से बहुत प्यार करता हूं और उससे हर हाल में शादी करूंगा। देखिए साहब, ये देखिए हमारे कॉलेज की इज्जत खाक में मिल गई है। जिस कॉलेज की लड़कियों का नाम गर्व से लिया जाता था, आज उनकी वासना के चर्चे हो रहे हैं। अब आप ही बताइए मैं कहां जाऊं, किसको मुंह दिखाऊं? मदन जी, इसी बात की तो इंक्वायरी चल रही है। बड़ी बहुत इंक्वायरी, ये फोटो देखने के बाद भी इंक्वायरी की जरूरत है? लेकिन ये दोनों शादी कर रहे हैं। फैंटास्टिक, तो शादी तक बात आ गई है। मैं कहता हूँ मैडम, आप बाल बाल बच गई हैं, वरना ये दोनों आपसे कॉलेज के बाहर एक मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाने की बात करते। मैं कहता हूँ कि हम कहां से कहां आ गए हैं, क्या हो गया है हमारे चरित्र को? ये आप चरित्र का बोल रहे हैं? हे भगवान, कहां जाएगी तेरी दुनिया? चरित्र का वो बोल रहे हैं जिनका खुद चरित्र नहीं। क्यों ना? शट अप। जी, मैं पूछता हूं तुमने किससे पूछकर मोहब्बत की? आप बता दीजिए किससे पूछकर करनी चाहिए मोहब्बत? हमसे। हमसे मिस्टर, हमने इसे रोटी दी, कपड़ा दिया, जवानी दी, जिंदगी दी और जबान दी, जिससे ये तुमसे मीठे मीठे बोल बोलती है, वरना ये क्या थी? क्या थी बोलो, एक अनाथ। मिस्टर मदन, प्लीज मुझे अनाथ मनात मत कहिए, मेरी माँ है। तुम्हारी माँ है? जी हाँ। साबित कर सकती हो? जी, मैं झूठ नहीं बोलती। तो ठीक है, कोर्ट के सामने अपनी माँ को ले आओ और उन्हीं के सामने फैसला हो जाएगा। यू कैन बोथ गो। किरण, तुमने प्रिंसिपल साहब से झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी माँ जिंदा है? मैंने झूठ नहीं, सच कहा है, मेरी माँ जिंदा है। क्या? तो फिर तुमने अपनी माँ के बारे में मुझे आज तक क्यों नहीं बताया? इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी कि अपनी दुख भरी जीवन कहानी सुनाकर तुम्हें भी दुखी करूं। अरे क्या अब भी हमारे दुख सुख अलग अलग है? गोपी, अरे पगली, अपनों के साथ सुख न सही, दुख जरूर बांटना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये बता कि तेरी माँ क्या करती है? वो रिक्शा स्टैंड पे खाना बेचती है। अरे कहीं उसका नाम पार्वती तो नहीं? हाँ, तुम जानते हो उसे? अरे मैं ये भी जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। चल चल बैठ जा, मैं तुझे भी मिलाता हूँ। रिक्शा यहाँ क्यों रोक दी? घर जो आ गया। किसका घर? तुम्हारी माँ का। मेरी माँ यहाँ नहीं रहती। अगर तुम्हारी माँ वही है जो हर रोज रिक्शा स्टैंड पे खाना लेके आती है,
तो वो नहीं। मगर वो यहाँ कैसे आ गई? अभी तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिरने से? मैंने कहा ना तुम्हारी माँ यहाँ रहती है। अच्छी बात है, तुम यही ठहरो, मैं माँ से बात करती हूँ। तुम यही बैठे रहो, नहीं तो सारा खेल चौपट हो जाएगा। माँ से बात मैं करता हूँ। ओके मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। मदद मेरी? हाँ माँ, एक लड़की की इज्जत खतरे में है, उसे बचाना है। आ बैठ। इतनी बड़ी पत्थर की नगरी में एक तेरा ही दिल है गोपी, जो हर किसी की दुख तकलीफ में मोम की तरह पिघल जाता है। क्या करूँ माँ, भगवान ने दिल ऐसा बनाया। और फिर ये मामला तो मजबूर और बेसहारा लड़की का। आखिर बात क्या है, तू पहेलियां क्यों बुझा रहा है? बोल माँ। वो जिस आदमी के साथ शादी करना चाहती है, उसके साथ, मेरा मतलब उसके साथ घूमती फिरती है, क्या ये बात है माँ? अगर दोनों का दिल साफ है तो इनके मिलने जुलने को कोई पाप नहीं कह सकता, समझा? है कुछ लोग माँ जो बात का पताकर बना के उसे कॉलेज से बाहर निकलवाना चाहते हैं। अगर यही बात है तो तुझे उसकी जरूर मदद करनी चाहिए। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ माँ। अरे पगले, मैं भला क्या कर सकती हूँ? अरे करना वरना कुछ नहीं है माँ, तुम्हें सिर्फ जाके इतना कहना है कि वो लड़की तुम्हारी बेटी है और तुम उसकी माँ हो। मेरी बेटी? ये कैसे हो सकता है? किसी दूसरे की बच्ची को मैं अपनी बच्ची कैसे कह सकती हूँ? बच्ची बच्ची हो किसकी हो, बात की बातें। अभी तो हमें उसकी इज्जत बचानी है। हाँ। और वो काम सिर्फ तुम कर सकती हो। हाँ, हाँ तो फिर चलो ना। वो लड़की कहाँ है? अभी लेके आता हूँ। एकदम बोला है। कौन सा मुनेदर आई है मेरे पास? मैंने सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके गुजार दी, लेकिन अपनी इज्जत पे आज तक नहीं आने दी। और तू, तू अपने आबरू पे धब्बा लगा बैठी। क्या क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए कॉलेज भेजा था? बोल बोल, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए कॉलेज भेजा था? गोपी गोपी, इसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए मैंने अपने जीवन में अंधेरे खोल लिए, इसकी खुशी के लिए मैंने अपने आंसू पी लिए। आज तक किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि बेटा मैंने तुझे भी नहीं बताया कि मेरे एक बेटे भी है, लेकिन इस कलंक की तरह मुझे कहीं करना था। कब बेटा भाई, ये आपको क्या हो गया? बेटे देख, आदमी को कहीं भी चोट लगे तो दवा से घाव का निशान मिट सकता है, लेकिन लेकिन एक बार औरत के नाम पर कलंक लग जाए तो वो जीते जी तो क्या मरने के बाद भी नहीं मिट सकता, मरने के बाद भी नहीं मिट सकता, मरने के बाद। लेकिन माँ जी, माँ जी, ये आपने कैसे सोच लिया किरण के ऊपर दाग लगा है? कम से कम उसे दोष देने से पहले ये तो सोचा होता कि वो किससे प्यार करती है। कौन है वो? कौन है वो? ऐसी बात मत करो माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, अगर जानना चाहती हो तो सुनो, वो आदमी कोई और नहीं, यही है। क्या क्या तू गोपी? क्या ये सच है? हाँ माँ। तुम दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम दोनों मुझे अपना नहीं समझते? नहीं माँ, हम लोग ने बेटे, न जाने मैं पागलपन में क्या क्या बन गई, मुझे माफ कर दे बेटे। नहीं माँ। बेटी मैं बहुत खुश हूँ, देख बेटी, गोपी जैसा जीवन साथी तुझे सारी दुनिया में दिया लेकिन ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वो तो ठीक है माँ, और सारी दुनिया के सामने तुम इसे अपनी बेटी मानने को तैयार हो क्या? क्यों नहीं? हाँ तो फिर चलो ना, चलो 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 चलो। तुम्हारी किरण के बारे में जो रिपोर्ट प्रिंसिपल साहिबा ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सामने पेश की, उसे सामने रखते हुए हमें यह फैसला करना है कि तुम्हारी किरण के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। मिस्टर चेयरमैन, मिस किरण के खिलाफ कोई एक्शन लेने से पहले बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के लिए ये जानना जरूरी है कि मिस किरण की वजह से
हमारे कॉलेज की शोहरत में काफी इजाफा हुआ है और फिर उसके कैरियर का भी सवाल है। आपका मतलब है कि फैसला करते वक्त इस बात को तो ध्यान में रखा जाए और वो बात भूल जाई जाए कि किरण हर अरे गैरे नथु खैरे के साथ आवारागर्दी करती रही है। मिस्टर मदर, आपकी बात ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने जो कहा उसे हमें भी सोचना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, मुझे कोई इतराज नहीं। मगर हाँ, वो अपनी माँ को लाने वाली थी, वो तो आ गई होंगी। मेरी राय है कि पहले तुम्हारी किरण को बुलाया जाए। यस। मिस किरण, तुम अकेली आई हो कि तुम्हारी माँ भी साथ आई है? जी जी, मेरी माँ भी आई है मेरे साथ। क्या आपकी माता जी बोर्ड के सामने गवाही देने के लिए राजी हैं? जी हाँ। उन्हें अंदर बुला लीजिए। माफ कीजिएगा, ये पत्थर की मूर्ति की तरह से खामोश क्यों खड़ी है? गूंगी तो नहीं है ये? बोल तो सकती है ना? बोलिए देवी जी। बोलो माँ, बोलो। क्या बोलूं? क्या किरण की शादी गोपी के साथ होने वाली है? जी हाँ, किरण की शादी गोपी से ही होने वाली है। बोर्ड को इससे कुछ मतलब नहीं है कि किसकी शादी किससे होने वाली है। हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं इस लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है। इसके लिए मैं ही सब कुछ हूं। मनोहर, जरा मेरी पान की डिबिया लाना। कहा तुम इस लड़की के लिए सब कुछ हो? जी हाँ। यानी तुम इसके लिए बाप भी हो और माँ भी। तुम चुप क्यों हो गए? बोलो, तुम इसकी माँ हो ना? लेकिन मुझे वचन दो भाभी, किस अभागिन बच्ची को अपनी बच्ची समझकर पालोगे? नहीं तो वो इसको भी मार डालेंगे, क्योंकि मेरे पाप की निशानी समझते हैं। मुझे वचन दो। आप खामोश क्यों हैं? जवाब दीजिए। खामोश क्यों हो, जवाब दो। तुम इस लड़की की माँ हो या नहीं? बोलो माँ, बोलो। तो बोलते क्यों नहीं कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ? तुमने मुझे जन्म दिया है, मुझे पाला है, पोसा है। तुम इन लोगों से बोलते क्यों नहीं कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ? बोलो माँ, बोलो, बोलो। हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। सुन लिया आप लोगों ने? सुन लिया, ये मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी माँ हूँ। लेकिन आपकी बच्ची ने तो अपने आप को अनाथ बताया था। खैर छोड़िए इस बात को, ये बताइए आपके पति का नाम क्या है, मतलब इस बच्ची के बाप का? उस पापी का नाम मत पूछिए, वो पापी है, पापी है। लेकिन तुम्हारी माँ को तो अपने पति का नाम मालूम होगा ना? मालूम है या है ही नहीं? देखिए, आपको मुझसे ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। मैं अपने पति का नाम नहीं जानती, मेरे पति है या नहीं ये पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं, समझे? आपको कोई अधिकार नहीं। मिस किरण, इतनी से उम्र में इतना बड़ा झूठ बोलते मैंने आप ही को देखा है, और जब आज आपका झूठ खुल गया है तो आपको कॉलेज का वो सारा खर्चा भरना पड़ेगा जो कॉलेज ने आप पर किया है। मिस्टर मदन, आप उसकी फिक्र न कीजिए, तो सारा खर्च मेरी तरफ से कॉलेज को भेज दिया जाए। कुमारी किरण को कॉलेज में रखना या न रखना, आप लोग सोच समझ कर जो फैसला करेंगे मेरे लिए। प्रिंसिपल साहबा, मेरा तो कहना यह है कि इनको फौरन कॉलेज से निकाल देना चाहिए। नीच कमीनी, बोल
वो तेरे पाप की गठरी। आज मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगा। बोल। पिसता रहा और तू ऐश करती रही। मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा। खोल खोल, तो सच्ची जाएगी। जान क्यों लेना चाहते हैं? क्या बताऊं बेटे, उन्हें मुझ पर शक है। उनका ख्याल है जब वो जेल में थे तब किरण पैदा हुई थी। वो किरण को मेरी बच्ची समझते हैं। तो क्या किरण तुम्हारी बेटी नहीं है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, अगर किरण तुम्हारी बेटी नहीं है तो फिर किसकी बेटी है? जज कैलाश की। क्या जज कैलाश? क्या किरण जज कैलाश की बेटी है? यस बॉस, मैंने पार्वती को यह बात खुद गोपी से कहते हुए सुना है। मिस्टर मदन, मेरा ख्याल है ये किरण वही छोकरी है जिसकी मदर को 15-16 बरस पहले तुमने हमको शूट करने को बोला। राइट, आई मीन टू से कैलाश का फर्स्ट वाइफ का मर्डर खून। हाँ, शूट तुमने किया था मगर हमने इल्जाम कैलाश पर लगाया था। वंडरफुल। ऐसा क्यों बॉस? इसलिए कि कैलाश जो आज एक बहुत बड़ा जज है, उन दिनों एक बहुत बड़ा क्रिमिनल लॉयर था और साथ ही एक खानदानी रईस भी। जिन दो चीजों की जरूरत मुझे थी वो दोनों कैलाश में थी। मैंने उसे हमेशा के लिए अपने चंगुल में फंसाने का जाल बिछाया था। मैं अपनी बहन की शादी कैलाश से करके उसे अपना रिश्तेदार बनाना चाहता था, लेकिन शांति जिससे कैलाश की लव मैरिज हुई थी वो मेरे रास्ते का पत्थर थी। लेकिन मैंने एक तरकीब सोची। शांति का भाई मनोहर, जो एक आदि मुजरिम था, जो उन दिनों जेल से भाग कर आया हुआ था और कैलाश ने जिसे अभी तक देखा भी नहीं था, मैंने शांति और मनोहर दोनों को एक जगह मिलने का इंतजाम किया
और कैलाश को शांति के खिलाफ भड़काकर मैं उस जगह ले गया। ये लो, और इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। नीच बच्चलन, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पागल हो गए हो? अरे मैं कहता हूँ पागल हो गए हो क्या? नीच बच्चलन औरत के लिए सारे शहर में अपनी बदनामी करवाओगे? छोड़ मुझे। जो कुछ कहना है और करना है घर चल के मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। आओ मेरे साथ चलो। और शांति मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। आज तक मैं हमेशा तुमसे कुछ न कुछ लेता ही रहा हूँ, तुम्हें कुछ दिया नहीं। जाओ भैया जाओ, अगर कोई आ गया तो क्या होगा, जाओ। अच्छा बहन जाता हूँ। कहाँ गई थी? जबान क्यों बंद हो गई? बोलती क्यों नहीं? इतने रात गए तक कहाँ गई थी? कौन था वो आदमी जिसके साथ मुंह काला करते वक्त तुझे इस घर का और इस घर की मान मर्यादा का ख्याल तक नहीं रहा? ये आप कह रहे हैं? बच्चलन औरत, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। न जाने तू कब से ये बात का खेल खेल रही है। आखिर इस घर में तुम्हें किस चीज की कमी थी जो ये करने पर तुम मजबूर हुई? मदन भैया आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। बोलती क्यों नहीं? कौन था? भाई था। मैंने तो कभी नहीं देखा उसे। और आप उसे देख भी कैसे सकते थे? वो तो उम्र कैद की सजा जेल में काट रहा है। यकीन मानिए वो मेरे मन और भैया के सिवा और कोई नहीं था। शर्म नहीं आती उसे भाई कहते हुए? भगवान जानता है कि मैं पवित्र हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। बकवास बंद करो, तुमने मेरे साथ प्यार की झूठी कसमें खाई थी। मैं आपको एक बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। किसका बच्चा? अब तो मुझे इस पर भी शक होता है। ये बात कहते हुए आपको शर्म नहीं आई? निकल जाओ इसी वक्त मेरे घर से, जाओ और ले जाओ इस बात की निशानी को। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरी डोली आई थी, अब यहाँ से हाथी निकलेगी। ठीक है, इस घर से एक नहीं दो हाथी निकलेंगे, एक मेरी और एक तुम्हारी। पागल हो गए आप? छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे, आपका क्या नहीं करने दूंगा। छोड़ो, आप चलिए मेरे साथ। आइए ना कदम, आप बिल्कुल अपने आप को परेशान कर रहे हैं। आप जाइए ना, जाइए आप। कैलाश शांति को मारना चाहता था, लेकिन मैंने उसे समझा बुझाकर कमरे में बंद किया। और अब शांति जो मेरा असली निशाना थी, ये समझा करके एक रात के लिए वो अपने भाई के यहाँ चली जाए, घर से निकाल दी। और अपने प्लान के मुताबिक जो मैंने कैलाश के हाथ से पिस्तौल छीना था उसे माइकल को दिया, और माइकल ने मेरे इशारे पर शांति को गोली मारी। और फिर उस पिस्तौल को कैलाश के नौकर को दिया और उसे एक ऐसा नाटक करने को कहा जो झूठ को सच में बदल दे। वकील साहब, कराया आपका काम, शांति देवी को मार दिया। शांति देवी को मार दिया? ये रहा आपका पिस्तौल। मेरा पिस्तौल? हाँ, आप ही ने तो कहा था उस बच्चलन औरत को मारने के लिए। मैंने कब कहा था? नमक हराम कमीने, मैंने कब कहा था शांति को मारने के लिए? मैंने को मार दिया, मगर क्यों? साहब, वकील साहब ने अपना पिस्तौल देकर शांति देवी को मारने के लिए कहा, मैंने मार दिया। ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोल रहा है। क्या गजब किया तुमने, शांति को मरवा दिया। कानून के आदमी होके क्या पागल हो गए हो तुम? मदन, मैंने इसे नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं किया। इसमें जरूर कोई राज है, मैं पुलिस को टेलीफोन करता हूँ, मैं इसे फांसी चढ़वा दूंगा। ठहर जाओ, फांसी तुम चढ़ जाओगे। मुझे कैसे? बच्चों की बातें ना करो कैलाश बाबू, ये पिस्तौल तुम्हारी है, इस पिस्तौल पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। तुम्हें आज ही पता चला कि तुम्हारी बीवी बच्चलन है, आज ही तुमने उसे मार डालने की धमकी दी और गोली भी इसी पिस्तौल से चली है। अब तुम बताओ फांसी तुम्हें होगी या इसे होगी? मदन, फिक्र न करो कैलाश बाबू, जब तक मैं जिंदा हूँ। अरे देखो, लाश को ठिकाने लगा दो। मदन, मेरी बच्ची। आप बच्ची तो बच गई। कहाँ है वो? जब मैंने शांति देवी को मारा, एक औरत आई, बच्ची को ले गई। अरे पूरी कहानी मत सुनाओ, जो मैंने कहा जाकर वही करो, जाओ। तुमने गजब कर दिया यार, अगर उसका खून करवाना था तो मुझसे कहो, था मैं कर देता। मदन, मैंने कुछ नहीं कहा। मदन, मैंने अच्छा बाबा छोड़ो इन बहानों को, अब इसी बहाने हम दोनों हमराज तो बन गए, और अगर तुम चाहो तो रिश्तेदार भी बन सकते हैं। क्या मतलब? मतलब यह है कि मुझे अपनी बहन के हाथ पीले करने हैं, और फिर तुम जैसा पति उसे कहाँ मिलेगा, और फिर रिश्ता हो जाने के बाद मेरी जबान भी बंद हो जाएगी। जो मैं चाहता था वो कर सका,
मनोहर की बहन को माइकल के हाथों मरवाकर मनोहर को पार्वती के खिलाफ भड़काया और कैलाश अपनी पत्नी का कातिल होने के खौफ से मेरे रिश्तेदारों पर नाचने लगा। मैंने वक्त का फायदा उठाते हुए अपनी बहन की शादी उससे कर दी। आपकी बहन? कौन सी बहन बॉस? वो शादी के चंद दिनों बाद ही एक मोटरकार एक्सीडेंट में मर गई, लेकिन उसके मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। कैलाश शांति का कातिल है, ये बात मैं उसे हमेशा याद दिलाता रहा, लेकिन किरण की खबर सुनाकर तुमने मेरे विश्वास को और भी मजबूत कर दिया है। अगर किरण हमारे कब्जे में आ गई तो चंदर के केस में कैलाश को मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। कैलाश, तुझे मेरे कदमों में झुकना ही पड़ेगा अपनी बेटी किरण की खातिर। मेरी बेटी? ये सच है? हाँ जज साहब, ये सच है। किरण आपकी बेटी है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक देवता समान आदमी राक्षस भी बन सकता है। गोपी, जज साहब, आप तो ठाट से महलों में रहते हैं और आपकी बेटी अनाथों की तरह दर बदर ठोकरें खाती फिरती है। आप कैसे बाप हैं जज साहब, आप कैसे बाप हैं? आपके सीने में दिल है ये पत्थर कि आपकी गलतियों की सजा आपकी मासूम बेटी भुगत पाई। बस करो गोपी, बस करो। मैं तो पहले ही पछतावे की आग में झुलस रहा। आपको झुलसना ही होगा। जज साहब, आपके लिए मेरे दिल में बड़ा प्यार था, बड़ी इज्जत थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आपके हाथ आपकी बीवी के खून में भी लगे हुए हैं। ये सब झूठ है। ये सच है गोपी, ये सच है। शांति का खून जज साहब ने नहीं किया। लेकिन मां, तूने तो कहा था कि शांति देवी का खून। हाँ, मैंने कहा था। मुझे अभी अभी मेरे पति ने बताया, शांति का खून जज साहब ने नहीं किया बल्कि मदन ने अपने आदमी से करवाया। जज साहब निर्दोष है, इल्जाम इनसे लगाया गया। मदन, आई एम सॉरी मिस्टर कैलाश, मैं आपका इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकता। मैं जानता था आप यही कहेंगे, लेकिन सर, इंसान कभी कभी सारी दुनिया को धोखा दे सकता है लेकिन अपनी आत्मा को नहीं। मेरा इस्तीफा मंजूर करने में मेरी मदद कीजिए। मगर क्यों? कुछ घटनाएं जिंदगी में ऐसी भी हो जाती हैं जो इंसान को क्या से क्या करने पर मजबूर कर देती। अगर कानून आप जैसे काबिल जजों को लूज करता रहा तो अंजाम क्या होगा? अंजाम सोचकर ही मैंने इस्तीफा दिया है। कुछ अरसे पहले जब मैं वकील था, अपनी काबिलियत से मैंने खूनी को फांसी के तख्ते से बचा लिया था, लेकिन आज मालूम हुआ कि वो खूनी समाज के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और अब हालात ने मुझे ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जहां समाज के उस दुश्मन को मैं फांसी के तख्ते तक पहुंचा देना अपना फर्ज समझता। और सर, ये काम मैं एक जज की हैसियत से नहीं कर सकता बल्कि वकील बनकर ही कर सकता हूं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी मदद कीजिए। मैं बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहा हूं। मैं अब जज नहीं हूं, मैंने रिजाइन कर दिया। रियली? दैट इज अ वंडरफुल न्यूज सर, इट इज अ वंडरफुल न्यूज इंडीड। धनुष साहब, अब तो आप मेरा केस लड़ भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा तो जरूर हुआ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। क्यों? इसलिए कि अब मैं तुम्हारा असली रूप दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, क्या हो। बहनोई जी, आप तो कविता कहने लगे। अच्छा साहब, हम जो हैं सो हैं, मगर आप भी गिरगिट की तरह से खूब रंग बदलते हैं। मदन, तुमने चंदर का खून किया लेकिन मैंने तुम्हें फांसी के तख्ते से बचा लिया, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने मेरी पत्नी का खून किया, मेरी बच्ची को मुझसे अलग कर दिया, उसको बदनाम और रुस्वा करके कॉलेज और हॉस्टल से निकालने की कोशिश की। नहीं नहीं मदन, अब मैं तुमसे तुम्हारे एक एक जुर्म का हिसाब लूंगा। मैं तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाकर दम दूंगा। ओह माय गॉड, जब घर के भेदी ही लंका ढाने लगे तो उस बेचारे रावण का क्या होगा? अरे ठीक है, पकड़ लीजिए भाई। अरे रोशनी करो, सब मर गए कहीं हमें। अरे लाइट तो जलाओ, लाइट लाइट। क्या हुआ मदन साहब, बत्ती किसने बुझाई थी? मुझे लगता है जज साहब को डाकू उठा कर ले गए। तुम उस तरफ जाके देखो, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। आइए आइए जज साहब,
ओ माफ कीजिएगा योर ऑनर, हमारे यहाँ मेहमानों को वेलकम करने का तरीका आपकी अदालत से कुछ जरा अलग है। मुझे यहाँ किस लिए लाया गया है? बताता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है जज साहब? ओ आई एम सॉरी, आप तो तुम जज नहीं रहे। शट अप, मतलब की बात कहो। मतलब की बात तो वही है, हाई कोर्ट में तुम मेरी मदद कर सकते हो या नहीं? इसका जवाब मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ। मैं आखिरी बार कह चुका हूँ। फिर सोच लो कैलाश, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है तो तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने फर्ज से प्यार है। अपनी बेटी से भी ज्यादा? बेटी, तुम कहना क्या चाहते हो? अगर तुम्हें अपनी बेटी प्यारी है और तुम उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी कीमत देनी होगी। मैं किसी भी कीमत पर कानून को धोखा नहीं दे सकता। तुम्हें मैं फांसी के फंदे पर चढ़ाकर ही दम लूंगा। तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हें उस दिन के लिए जिंदा छोड़ दूंगा? लेकिन मारने से पहले तुम पर एक एहसान जरूर करूंगा। मुरली, किरण बेटी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं एक एक का खून पी जाऊंगा रात कल, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कमीने! बॉस, वो बिहारी सेठ तो बोगस निकला, उसका चेक वापस आ गया और उसके बैंक में कुछ है ही नहीं। ऐसी बात है तो मुरली से कहो उसे ठिकाने लगा दे। घबराने की कोई बात नहीं बॉस, इनसे मिलिए, ठाकुर रंजीत सिंह ऑफ होनोलुलु। हेलो हेलो, करोड़पति आदमी है और खास बात तो ये है बॉस, ये चेक में नहीं कैश में यकीन करते हैं, कैश में। किरण के नए खरीदारों में से हैं और ये दोनों बैग नोटों से भरे हुए हैं। रियली? 5 लाख इसमें और 5 इसमें। लेकिन मुझे यकीन नहीं आता। बॉस, हाथ कंगन को आरसी क्या, अपनी आंखों से देख लीजिए। वंडरफुल डन, यस डन डन एंड डन। सेठ जी, किरण आपकी हो गई। यू आई किल यू। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अब तो हम तुम्हें बहुत जल्द ले जाएंगे। कम डार्लिंग, अरे अरे अरे, सच्चों का बोल बाला होगा, झूठों का मुंह काला होगा, तो साथ में रिक्शा वाला होगा तो जेल में मदनशाला होगा। क्यों, ठीक है ना? कम डार्लिंग, देखते रह जाएंगे, ले जाएंगे एक दिन। क्यों, ठीक है ना? बेवकूफ इंसान, तू अपने आप को समाज का बहुत बड़ा ठेकेदार समझता था, इसलिए मेरी मदद नहीं की। लेकिन आज कितना मुबारक दिन है कि एक बाप के सामने उसकी बेटी का सौदा हो रहा है। ये क्या कर रही हो किरण, होश में तो हो? मिस्टर मदन, ये बुढ़ा कौन है जो हमारे रंग में भंग डाल रहा है? ये बुढ़ा किरण का बाप है। बाप है? वेरी लकी बाप। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। मिस्टर बाप, हमें तुम्हारी प्रिटी प्रिटी लड़की बहुत पसंद आई। किरण डार्लिंग, अपने बाप को शराब पिलाओ। लेट्स सेलिब्रेट, गिव अ ड्रिंक, गिव अ ड्रिंक। You bloody cheat! Thank you.
कीदड़ के बच्चे शेर के मुंह में हाथ देने चला था हैं? मुरली तुम किरण को लेकर जाओ। क्यों ठीक है ना? क्यों मनोहर तो ये सब तेरा किया हुआ है कुत्ते नमक हराम। मैं तो सिर्फ नमक हराम हूं मदन, लेकिन तू एक भेड़िया है, शैतान है, खूनी है। तूने अपने स्वार्थ के लिए मेरी बहन को मौत के घाट उतारा, मेरी बीवी की पवित्रता को बदनाम किया, उसे दर दर की ठोकरें खिलाई और मुझे कहीं का नहीं रखा, और आज तू मुझे नमक हराम कह रहा है। मदन तुझे याद होगा एक दिन मैंने उस अनाथ बच्चे की कसम खाई थी कि मैं तुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा कर रहूंगा। आज वो दिन आ गया। तूने जो कुछ किया है उसे इंसान तो क्या भगवान भी माफ नहीं कर सकता। पापी को पाप की सजा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लो इन सबको। मेरे सौभाग्य भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। कैलाश बाबू ये रही आपकी बेटी किरण, लीजिए। पार्वती मैं तुम्हारा किन लफ्जों में शुक्रिया अदा करूं? गोपी मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा अगर तुम किरण का हाथ। ठहरिए जैसा ये काम मेरा है क्योंकि मैं लड़की का मामा हूं। भगवान का दिया सब कुछ तुम्हारे पास है, रिक्शा चलाना छोड़ो। नहीं जैसा रिक्शा चलाना मेरा धर्म, आदमी को मेहनत मजदूरी करके ही रोटी खानी चाहिए। क्यों दोस्तों ठीक है ना?